है एवरीवन, तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को ऐसे समर फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में बताऊंगी जो समर में बहुत इजीली ग्रो करेंगे आपके गार्डन में तपती धूपों में। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और बहुत इजी टू केयर प्लांट्स है ये सब, बहुत अच्छे से ये फ्लावरिंग करते हैं। तो फर्स्ट प्लांट है ये है टेकोमा की प्लांट। आप देख सकते हैं मेरे पास 3 वेराइटी की है और बहुत अच्छे से ये कलर ऐड करते हैं आपके गार्डन में और ये बहुत जल्दी ग्रो हो जाते हैं। बहुत इजी टू केयर प्लांट है, आप इसको धूप में आराम से रख सकते हैं। बहुत अच्छे से ये धूप में तपती धूप में भी ये कुछ नहीं होगा, लीफ के कुछ नहीं होगा, सिर्फ ये बहुत जल्दी ड्राई हो जाएंगे। आपको बस पानी का ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसे भी नहीं है कि पानी अगर आप नहीं देंगे बहुत ड्राई हो जाएंगे तब ये मर जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत हार्डी प्लांट है, बहुत स्टार्डी प्लांट है, ये ट्री की तरह है, ये बूस है, लेकिन इसकी जो स्टेम है बहुत बहुत हार्ड होते हैं, तो इतना ज़्यादा ख़राब नहीं होता है। मैंने जब ख़रीदा था बहुत छोटा छोटा था, 2 मंथ्स या 3 मंथ्स हो गए हैं। अब आप देखिए कितना बड़ा हो गया है और बहुत अच्छे से ये ग्रो करते हैं। तो आप इसको आपके गार्डन में ज़रूर ऐड कीजिएगा। ये प्लांट विंटर में भी खिलेंगे, बस थोड़ा सा कम खिलेंगे। सेकेंड प्लांट ये है कोरियोप्सिस, धूप में बहुत अच्छे से खिलते हैं ये है ये, और बहुत अच्छे से बहुत इजी टू केयर प्लांट है। सीड से आराम से ग्रो हो जाते हैं, बारिश में भी बहुत अच्छे से रहते हैं और बहुत सुंदर सुंदर इसके फ्लावर्स है। इतना ज़्यादा केयर नहीं चाहिए होता है, पानी का भी इतना ज़्यादा ध्यान रखना नहीं पड़ता है, छोटा सा पॉट में ही ये आराम से ग्रो हो जाते हैं और इतना ज़्यादा पेस्ट अटैक भी नहीं होता है इसमें। तो आप इसको समर में बहुत इजीली ग्रो कर सकते हैं। एक बार अगर ये खिल गया है, नेक्स्ट आप इसको सीड्स लगा सकते हैं समर में ही। एक समर में आपको 2-3 बार तो आपको फूल इससे मिलेंगे ही मिलेंगे, आप सीड्स को अगेन ग्रो कर सकते हैं, तो अगेन आप फ्लावर ले सकते हैं समर में। होल समर ये बहुत अच्छे से खिलते हैं, ये परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट नहीं है। हालांकि जो टेकोमा मैंने दिखाया था वो परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, ये परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट नहीं है। थर्ड ये पेंटस, पेंटस बहुत इजीली ग्रो होते हैं, बहुत अच्छे से गुस्सों में आते हैं, एक जोड़ा टाइप की है ये थोड़ा सा। तो ये परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, ये विंटर में भी खिलेंगे, होल ईयर ये खिलते रहते हैं, लेकिन ये समर में बहुत अच्छे से खिलते हैं। तो सिर्फ इसमें क्या होते हैं, अगर आप उसको बहुत पानी बहुत कम दिया है आपने या फिर पानी की कमी हो गया है, तो आपके इसके प्लांट की लीप की टिप में आप देख सकते हैं बार्निंग ऐसा कुछ। उसके अलावा इसमें कुछ प्रॉब्लम्स नहीं है, काटिंग से सीड से आप इजीली इसको ग्रो कर सकते हैं, बहुत अच्छे से खिलते हैं। मेरी ये सब खिल के ख़त्म हो गया है, नहीं तो ये बहुत अच्छा दिख रहा था। अगेन ये खिलेंगे, जो स्पेन फ्लावर्स होते हैं आप उसको काट दीजिए, अगेन इसमें से उस स्टेम से न्यू स्टेम आके न्यू फ्लावर बाद होगा। देन नेक्स्ट जो है ये है नयनतारा बोलते हैं विंका की प्लांट, ये हाइब्रिड होते हैं, हाइब्रिड विंका। ये इतना ज़्यादा बड़ा नहीं होता है जो लोकल वाला है हमारा, जो बहुत बड़ा बड़ा होते हैं जो वाइट कलर और पिंक कलर में आते हैं, बहुत अच्छा लगता है वो भी। और ये हाइब्रिड कलर में होते हैं, हाइब्रिड प्लांट है ये, बहुत छोटे छोटे प्लांट में ही खिलते हैं। आप देख सकते हैं मेरे पास ये सब वेराइटी की है और बहुत ईजिली ग्रो होते हैं। होल समर ये खिलेंगे, बहुत अच्छे से खिलेंगे, विंटर में भी ये खिलता है लेकिन थोड़ा कम खिलता है, लेकिन ये परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट होते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है पार्सलिन और ऐसा कुछ, नाइनोक लोग भी बोलते हैं इसको। तो ये भी बहुत अच्छे से समर में खिलते हैं, ये समर में बहुत बहुत ज़्यादा खिलते हैं। सुबह जब ये धूप आते हैं तो ये जब उसको धूप मिलते हैं तो ये खिल जाते हैं और बहुत अच्छे से ये खिलते हैं। आप देख सकते हैं ये सब और खिलेंगे नेक्स्ट डे, ये आप इसको कटिंग से इजीली ग्रो कर सकते हैं, बहुत इजीली ये ग्रो हो जाते हैं। इसको इतना ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होते हैं, खाद की भी ज़रूरत नहीं होते हैं। मेरे पास ये सब कलर्स की है, इसमें हाइब्रिड्स भी होते हैं,
जो नेक्स्ट है ये है क्रोसेंडा की प्लांट। क्रोसेंडा भी एक परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, आप इसको इजीली समर में ग्रो कर सकते हैं। बहुत अच्छे से ये समर में फ्लावरिंग करते हैं, विंटर में भी ये फ्लावरिंग करते हैं। ये पेरेनियल प्लांट है लेकिन समर में बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। नेक्स्ट है ये जिनिया की प्लांट, ये भी होल ईयर बहुत ईजीली खिलते रहते हैं। सो गाइज, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।